सिद्धि ध्रुवमचल मणुभवं गतिं पाते पूछामि समय पाहुरु मृणमो सुदकेवली भणितम। समय सार परमागम में हमारा बंद अधिकार चल रहा है और इस बंद अधिकार में कह रहे हैं कि जीव अपने राग आदि भावों से ही बलता है, परद्रव्य से नहीं बलता है। यही बात जब प्रवचन सार में पूछी गई प्रश्न के रूप में कि महाराज ये जीव परद्रव्य से क्यों बनता है, कि परद्रव्य से कहाँ बनता है, स्वयं से बनता है, कि स्वयं से कैसे बनता है, कि जैसे स्वयं को ही जानता है वैसे ही स्वयं से बनता है, परद्रव्य से क्यों नहीं बनता, क्योंकि परद्रव्य को जानता भी नहीं इसलिए परद्रव्य से बनता भी नहीं, ऐसा उत्तर दे दिया। वहां पढ़कर ऐसा लगता है कि प्रश्न कुछ है उत्तर कुछ है, लेकिन गहराई पे जाने पर वो बताते हैं कि यह जीव वास्तव में जो कुछ जान रहा है वो अपने ज्ञान को ही जान रहा है। अभी हम जो कुछ देख रहे हैं जान रहे हैं वो उन वस्तुओं को न देख करके आप उस ज्ञान को देख रहे हैं कि नहीं, ज्ञान है तभी तो देख रहा है, तो ज्ञान को ही जानते हैं हम, वस्तुतः ज्ञान को ही जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार की बात यहाँ चल रही है। यहाँ ये चल रही कि वो जो रागादि भाव जिनसे वो कर्म बंध में होते हैं वे रागादि भाव भी जीव सदा नहीं कर सकता। अच्छा, क्रोध कर सकता ही क्या सदा? क्रोध आएगा तो एक लिमिटेड टाइम के बाद वो अवश्य ही खत्म होगा। कोई जीव चाहे कि मैं क्रोधी बना ही रहूं बहुत लंबे समय तक, मुंह फुला के बैठा रहूं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो विकार है, विकार स्थाई नहीं होता है, हट जाता है। जो स्थाई रहता है वो स्वभाव है और जो स्थाई नहीं रहता है वो विभाव है। तो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन रागादि भावों से जीव को कर्म बंधन होते हैं वे रागादि भाव भी उसके विकार है, स्वयं नहीं करता जीव, जीव उनको स्वयं नहीं करता, तो कौन करता है, कैसे होते हैं, इसी बात को ये यहाँ कहने हैं आज। सबसे पहले गाथाएं देखनी थी, गाथाएं कहाँ गई, एक मिनट, वो गाथाएं पढ़ते हैं। सबसे पहले गाथाएं यहाँ शेयर करता हूँ। अपड़ी कमणम दुविहम अपच्चखाणम तहे विर्णेयम एदेण वदेशेण अकार गोवर्णिदो चेदा अपडिकमणम दुविहम दव्ये भावे अपच्चखाणम पी एदेण वदेशेण अकार गोवर्णिदो चेदा जावम अपडिकमणम अपच्चखाणम च दव्य भावाणम कौवदियादातावं कत्तासो होदिना दव्वो। मूल प्राकृति की गाथाएं हैं, इनका शब्दार्थ देख लेते हैं। अपडिकमणम दुभियम, अप्रतिक्रमण दुभियम यानी दो प्रकार का होता है, अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण तो आप जानते हो है ना, लेकिन वैसा वाला प्रतिक्रमण नहीं, यहाँ कैसा प्रतिक्रमण है वो भी बात करेंगे, लेकिन प्रतिक्रमण का मतलब होता है कि भूतकाल में किए गए जो दोष हैं भूल हैं उनका क्षमा याचना, क्या बोलते हैं उनका निराकरण करना, या उन दोषों को क्या बोलते हैं परिमार्जन करना, उनकी भूल के लिए क्षमा करना, तो वो प्रतिक्रमण कहलाता है। लेकिन यहाँ प्रतिक्रमण की बात नहीं करें, अप्रतिक्रमण उसका अपोजिट, ठीक है। तो अप्रतिक्रमण दुभियम यानी दो प्रकार का है, अपच्चखाणम अप्रत्याख्यान भी, प्रत्याख्यान उसका अपोजिट अप्रत्याख्यान, तो अप्रत्याख्यान भी तहेव यानी उसी प्रकार से विनियम यानी जानो, उसी प्रकार से माना वो भी दो प्रकार से जानो, जैसे अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है वैसे ही अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है, ऐसा जानो। एदेन उपदेशेण यह, और ऐसे उपदेश से जो प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान दो दो प्रकार के हैं, इसी उपदेश से यह चेदा माने आत्मा अकारगो वर्णितो, अकारक वर्णा वर्णित है, अकारक कहा गया है, इस आत्मा को अकर्ता कहा गया है, अकर्ता
आत्मा करता है ये प्रकरण चल रहा है, और बीच में कहां से बात शुरू हो रही है, अप्रतिक्रमण से और अप्रतिज्ञा से। अब इससे इसका क्या लेना देना, ये जो है थोड़ा सी कहने की स्टाइल है, बात को एक लॉजिकली तरीके से समझाने की बात है। तो पहले तो एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर तो भाव तो देखेंगे ही। अप्रतिक्रमणम दुभियम, अब ये कह रहे हैं जो ऊपर की जो पहली गाथा ये कह रही थी कि अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान ये दो दो प्रकार के हैं, तो प्रश्न होता है कि कौन से दो प्रकार है बताइए, तो उसका उत्तर ये दूसरी गाथा कह रही कि अप्रतिक्रमणम दुभियम, अप्रतिक्रमण दुभियम यानी दो प्रकार का है, द्रव्य भावे, द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, ये दो भेद बता दिए। वो कह रहे कि अप्रत्याख्यान के दो कौन से हैं, कि अपच्चखानम भी, अप्रत्याख्यान के भी यही दो भेद हैं, कौन से कि द्रव्य अप्रतिक्रम, द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, यही दो भेद हैं। अब भेद पता चल गए, दोनों के दो दो भेद हो गए, टोटल चार चीजें हो गई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एदेन उपदेशेण, इसी उपदेश, ये जो चार प्रकार का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान जो भी बताई है बात, इसी उपदेश से ये सिद्ध होता है कि चेदा माने आत्मा अकार गो वर्णिदो, ये आत्मा तो अकारता ही है, गजब हो गए। उनसे इस आत्मा को अकर्ता कैसे सिद्ध करेंगे, ये टीकाएं में बताएंगे खोलकर, टीकाएं बताएंगे कि कैसे अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान ही उन रागादि भावों के कर्ता है, आत्मा कर्ता नहीं है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। है ना, देखो हेडिंग ये ऊपर लिखी है, ज्ञानी रागादि का अकर्ता कैसे, तो वो 280 नंबर की गाथा कह रहे हैं जीव स्वयं नहीं करता है, तो स्वयं नहीं करता तो कौन करता है, तो करे ये जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है ना, वो और वो उसमें भी द्रव्य भाव, ये चार चीजें ये करते हैं, ऐसा ऐसा बता रहे हैं। अब तीसरी गाथा, जावम अप्रतिक्रमण, जावम का मतलब होता है जब तक, जावम माने जब तक अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान द्रव्य भावानम और उनके द्रव्य और भाव ऐसे भेदों को, यानी चारों बातों को, कुवदि आदा, आदा माने आत्मा, सो माने वह, वह आत्मा कुवदि यानी करता है, यानी तब तक, जावम का मतलब होता है जब तक और तावम का मतलब होता है तब तक, तब तक वह आत्मा कत्ता यानी करता, होदि माने होता है, ना दव्वो माने ऐसा जानो, ऐसा जानो, कैसा जानो कि जब तक जीव इन अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण को द्रव्य रूप से भाव रूप से करता है, प्रतिक्रमण नहीं अप्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान नहीं अप्रत्याख्यान, इनको जब तक करता रहता है तब तक वह करता है, ऐसा जानना चाहिए, ये मूल शब्दार्थ हो गए, ठीक है। अब इसका हिंदी एक बार पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर इसकी खुलासा करेंगे। है द्विविध अप्रतिक्रमण एवं द्विविध है अत्याग भी, इसलिए जिन देव ने कारक कहा है आत्मा। अत्याग अप्रतिक्रमण दोनों द्विविध है द्रव भाव से, इसलिए जिन देव ने अकारक कहा है आत्मा। द्रव भाव से अत्याग अप्रतिक्रमण होवे, जब तलक तब तलक यह आत्मा करता रहे यह जानना। थोड़ी सी विचित्र शैली में और विचित्र तरीके से बात कही जा रही है, लेकिन इस बात को न्याय की शैली कहते हैं, न्याय की भाषा है, न्याय शास्त्र में तर्क और युक्ति के बल पर अपनी बात को सिद्ध किया जाता है, तो ये तर्क और युक्ति से बात को बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो है प्रतिक्रमण क्या है, प्रत्याख्यान क्या है, ये शब्दों के मीनिंग पता होए, फिर इनके अपोजिट पता होए, फिर उनके भेद पता होए, भेदों के मतलब पता होए, है, तो ये चीजों को अपन बारी बारी से देख लेते हैं एक बार फटाफट। कि जैसे प्रतिक्रमण का मतलब होता है भूतकाल के संबंधी जितने भी दोष हैं उसका परिमार्जन करना, उनकी भूल चूक के लिए निंदा अग्रहा आलोचना, मतलब आलोचना तो नहीं, आलोचना अलग चीज हो जाती है, तो उसका जो है परिमार्जन की जो भी बातें होती है वो प्रतिक्रमण। ऐसे ही भविष्य में वे दोष हमसे वापस रिपीट ना हो जाए, यानी कि हमसे दोबारा पुनः वह गलती ना हो जाए,
इस बात का संकल्प करना वो प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान भविष्य से संबंधित है और प्रतिक्रमण भूतकाल से संबंधित है। आगे इसी समय सार में चल करके एक गाथाएं और भी आएंगी जिसमें आलोचना शब्द भी आएगा, प्रतिक्रमण भी आएगा, प्रत्याख्यान भी आएगा, आलोचना भी आएगी, तीन चीजें आएंगी आगे, अभी तो दो ही है। वहां पर टीकाकारों ने आलोचना को वर्तमान काल से जोड़ा है, प्रतिक्रमण को भूतकाल से जोड़ा है और प्रत्याख्यान को भविष्य काल से जोड़ा है। ये बात आगे आएगी, लेकिन अभी तो यहाँ दो ही बात है। ठीक है, तो इन भूतकाल के दोषों का परिमार्जन प्रतिक्रमण है, भविष्य काल के दोषों का नहीं होने का संकल्प वो प्रत्याख्यान है, और प्रतिक्रमण का नहीं होना यानी भूल चूक की परिमार्जन करना ही नहीं वो अप्रत्याख्यान, वो अप्रतिक्रमण, और भविष्य में उन दोषों के प्रति सावधान नहीं रहना, रिपीटेशन न हो जाए इस बात के प्रति सजग नहीं रहना, लापरवाह रहना, ये जो क्या है अप्रत्याख्यान। ठीक है, तो ये जो है आप दोनों के अर्थ समझ गए, दोनों के दो दो भेद हैं, द्रव्य और भाव, द्रव्य और भाव। ठीक है, तो अब ये जो चार भेद हैं, इन चार भेदों का भी मतलब देख लेते हैं क्या है। देखो, अतीत काल में, भूतकाल में जिन पर द्रव्यों का ग्रहण किया था उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना। पहले कभी कोई चीज आपको मिली थी, अरे 10 साल पहले वो फला फला की शादी में गए थे, उधर बहुत अच्छी मिठाई बनी थी, या कोई भी चीज, अरे वहां घूमने गए थे, दिल्ली गए थे, वहां पर वो अक्षरधाम मंदिर देखा था, ऐसा मतलब कुछ भी, कोई भी द्रव्य हो सकता। तो भूतकाल में जो भी परद्रव्यों को ग्रहण किया था उन्हें वर्तमान में अच्छा समझ, अरे वो अच्छा था ऐसे। अब वो द्रव्य निकल गया, उस द्रव्य से संबंधित भोगने की भाव और क्रिया वो भी पूर्ण हो चुकी, भूतकाल में खत्म हो चुकी, लेकिन फिर भी वर्तमान में उसे अच्छा समझना, उसके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रखना, वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है। किन के प्रति? उन पर पदार्थों के प्रति, है जो मिठाई मिली थी शादी में उसके प्रति, जो दिल्ली में कोई चीज देखी थी है दर्शनीय स्थल उसके प्रति, ये तो द्रव्यों के प्रति, ऐसा उसको कहेंगे द्रव्य अप्रतिक्रमण। और भाव अप्रतिक्रमण किसे कहेंगे? द्रव्यों के प्रति तो अब द्रव्य तो खत्म, द्रव्य तो द्रव्य प्रतिक्रमण में चला गया, तो अब भाव प्रतिक्रमण में क्या लेंगे कि उन वस्तुओं के निमित्त से जो मेरे रागादि भाव हुए थे उन रागादि भावों को अच्छा जानना, वो भाव अप्रतिक्रमण। देखो, द्रव्य में और भाव में थोड़ा ही फर्क है ना, ध्यान नहीं जाता है। द्रव्य प्रतिक्रमण में तो द्रव्यों को, पर द्रव्यों को, वस्तुओं को हम अच्छा समझते हैं, लेकिन भाव अप्रतिक्रमण में वस्तुओं को नहीं, वस्तुओं के प्रति होने वाला जो रागादि भाव है उसको अच्छा समझना है। अरे क्या उस पिक्चर में हीरो ने क्रोध किया था, क्या उसने एंट्री मारी थी, क्या उसने जो किस, तो वो जो भाव है उन भावों को ही अच्छा समझना, क्रोध को अच्छा समझना। अरे इतना गुस्सा तो जरूरी है, गुस्से के बिना काम नहीं चलता है। अरे मान भी जरूरी है, मान के बिना कौन इज्जत करता है। तो ये जो राग क्रोध मान माया राग द्वेष मोह, इन सब भावों को अच्छा समझना, ये भाव अप्रतिक्रमण। वस्तुओं को अच्छा समझना, वो द्रव्य अप्रतिक्रमण। अब ये तो हुई अप्रतिक्रमण की बात, अब अप्रत्याख्यान की भी देख लो, उसमें भी ऐसा ही है। क्या है कि आगामी काल संबंधी परद्रव्यों की इच्छा रखना, ममत्व रखना, द्रव्य अप्रत्याख्यान। भविष्य में हमें कोई वस्तु चाहिए, वो वस्तु, अरे वो वस्तु मिल जाए, वो वाला कपड़ा बहुत अच्छा था, वो मार्केट में बहुत बढ़िया था, उसका कलर डिजाइन बहुत अच्छा था, अब की बार जाएंगे तो जरूर लेके आएंगे। तो ये है आपका द्रव्य अप्रत्याख्यान, वस्तु को अच्छा समझना। ठीक है, और उन परद्रव्यों के निमित्त से, वस्तुओं के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भावों की इच्छा रखना, ममत्व रखना, वो भाव अप्रत्याख्यान है। कुल मिलाकर द्रव्य में तो वस्तु लेना, भाव में भाव लेना, बस सीधी बात, द्रव्य में द्रव्य और भाव में भाव। हम भावों को भी अच्छा समझते हैं, वस्तुओं को भी अच्छा समझते हैं, और भूतकाल में भी अच्छा समझते हैं, भविष्य काल में भी अच्छा समझते हैं, सीधी बात है ना। मैंने चारों बातों को एक ही सेंटेंस में इस तरह से निपटाया। अब फिर से बोलते हैं, कोई भी वस्तु को अच्छी समझना, वस्तु के कारण होने वाले जो अपने रागादि भाव है उन्हें अच्छा समझना, और ये चीज
बुद्ध काल में हो तो भी अच्छा, भविष्य काल में हो तो भी अच्छा, चारों बातें आ गई। ठीक है, ये चारों चीज समझ में आ गई। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, इसी प्रकार द्रव्य अप्रत्याख्यान भाव अप्रत्याख्यान, ये दो दो प्रकार का जो उपदेश है वो इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब ये है कि जो परद्रव्य है वो तो है निमित्त, और जो रमोय राग द्वेष के भाव है वो है नैमित्तिक, और नैमित्तिक तो बिना निमित्त के होता नहीं। क्या बात समझ में आई? नैमित्तिक बिना निमित्त के होता नहीं, वो निमित्त से ही होता है। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं वे नैमित्तिक भाव हैं, और उनका निमित्त कोई ना कोई परद्रव्य है। इसलिए वे जब भी आत्मा में उत्पन्न होते हैं तो भी वास्तव में आत्मा के किए हुए नहीं है, वो किसी ना किसी परद्रव्य के निमित्त से किए हुए हैं। इसलिए आत्मा में उत्पन्न होने पर भी वे आत्मा उनका कर्ता नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है। देखो कैसे घुमा फिरा के बात को लॉजिकली कही जा रही है कि भले ही वे आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन आत्मा के अकेले के उत्पन्न किए से नहीं होते हैं, ऐसा समझाया जा रहा है ना। आत्मा में भले ही उत्पन्न हो जाए लेकिन आत्मा के द्वारा स्वयं नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार यह आत्मा रागादि भावों का करता है, करता है क्योंकि वो खुद तो है ना परद्रव्य से हुए, तथापि जब तक उनके निमित्त भूत परद्रव्य के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है तब तक उसके रागादि भावों का भी अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान, क्योंकि नैमित्तिक है ना वो, तो जब निमित्त है तो नैमित्तिक भी होगा, है ना। और जब तक रागादि भावों का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है तब तक वह रागादि भावों का करता है, करता ही है। और जब वह निमित्त भूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है तब उसके नैमित्तिक रागादि भावों का भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है, और जब रागादि भावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है तब वह साक्षात अकर्ता ही होता है। ये मूल टीका ही पढ़ी मैंने, है ना टीका ही है ना, नहीं टीका नहीं, जयचंद जी भाव छाबड़ा का हिंदी भावार्थ है, लेकिन टीका से मिलता जुलता ही है। तो इसके शब्द और सेंटेंस थोड़े से आपको पहली बार पढ़ने पर कठिन लगते हैं, लेकिन कठिन नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आएगा, बहुत सरल है। कुल मिलाकर यही है कि भले ही वो भाव अपने विकारी भाव उनसे जीव बनता है ये बात ठीक है, लेकिन वे भाव भी तो किससे होते हैं, परद्रव्य के निमित्त से होते हैं। इसलिए परद्रव्यों से भी बचने का उपदेश शास्त्रों में है, वस्तुओं के त्याग का उपदेश है, है घर परिवार को छोड़ के दीक्षा लेने का विधान है, वरना तो क्यों होता है ये सब, बेकार होता ना, फिर जरूरत ही क्या थी इसकी, पर वस्तु को छोड़ दो ऐसा उपदेश क्यों दिया जाता शास्त्रों में, देने की जरूरत ही नहीं होती। तो यहाँ मूल गाथा जो अभी अपन ने प्राकृत की गाथा पढ़ी ना, उसमें दो जगह पर आया था, ए देण उपदेशेण या अकार गो वर्ण दो चेदा, ये आई थी ना, तो इसका मतलब क्या, ए देण उपदेशेण, ऐसा शास्त्रों में उपदेश है कि हे भाई तू इस वस्तु को छोड़ दे, मैं तू त्याग कर दे। तो ये त्याग क्यों दिया, कि भाई ये त्याग इसीलिए दिया कि ये जो रागादि भाव तेरे हो रहे ना वो उस अत्याग की वजह से हो रहा है, अत्याग, त्याग नहीं, अत्याग की वजह से हो रहे हैं। जब तू त्याग कर देगा, जब निमित्त का त्याग कर दिया तो वो नैमित्तिक भाव जो तेरे होते थे वो भी अपने आप छूट जाएंगे, तू तो करता ही नहीं है, अकर्ता हो जाएगा। और जब तक तू इन पर वस्तुओं के प्रति लक्ष्य रखता है तो उसके लक्ष्य से निमित्त से तेरे जो ये भाव उत्पन्न होते हैं, पर वस्तु को देखो, पर वस्तु तो न तो ग्रहण करिए और न छोड़िए, देखा जाए तो सही बात ही है, पर वस्तु को इसने आज तक ग्रहण किया ही नहीं तो त्याग की क्या बात है। लेकिन ग्रहण कहाँ किया था, अपने संकल्पों में, ऐसा मान लिया ये वस्तु मेरी है, तो उस संकल्प में ही जो रागादि भाव उत्पन्न हुए थे वो संकल्प से ही जुड़ा रहे, कह रहे कि उस संकल्प को छोड़ देते, ऐसा थोड़ा सा है ना बात, थोड़ी सी ऐसी है जिसको व्यवस्थित तरीके से कहने में आ नहीं पा रही, लेकिन इसको एक उदाहरण से समझाएंगे। एक उदाहरण से ऐसा समझो कि ये आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकता, कुछ कुछ माने वही रागादि है, वो कैसे होते हैं देखो, ये तो आपको अभी अभी समझाई है, वो चीज दिखाई है कि ये दो भेद हैं,
इनमें जो ऊपर के द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान है ये तो वस्तुओं के लिए है, और भाव अप्रतिक्रमण और भाव अप्रत्याख्यान है ये रागादि विकार भावों के लिए है ना। इन चारों ही चीज को ये जीव, चारों चार का हुई दो ही हुई, इन दो चीजों को ये जीव भूतकाल में भी अच्छा समझता आ रहा है और भविष्य काल में भी अच्छा समझता रह रहा है। अभी तक की मान्यता ये है इसकी, और जब तक ऐसी मान्यता है तब तक तो वो रागादि भावों का कर्ता है, और जिस दिन ये मान्यता बदल जाएगी तो रागादि भावों का कर्ता हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तो परतरफ से हुए। ऐसा थोड़ी सी बात कठिन जरूर है, लेकिन इसको आप ऐसा समझो, ये एक उदाहरण है कि ये आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। मैंने इसको जो भी बात अभी जितनी भी बोली थी ना, शब्द यूं के यूं रखे हैं, लेकिन उसको एक दर्पण के एग्जाम्पल से समझाने के लिए दर्पण डाल दिया उसे, और बाकी सब निकाल के उनका यूं रख दिया, सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट जैसा। अब अपन अभी तक क्या बोलते आ रहे हैं कि आत्मा स्वयं विकार नहीं कर सकता परद्रव्य निमित्त के बिना, यही ऐसा कैसा लिखा, दर्पण भी स्वयं प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, अतः वह प्रतिबिंब का कर्ता नहीं है, अकर्ता है, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने वाला तो कोई ना कोई परद्रव्य है, उसके निमित्त से प्रतिबिंब बनाए उसमें है ना। तो परद्रव्य ही उस निमित्त ही मतलब है वो प्रतिबिंब का करता है, दर्पण करता नहीं है, एक बात तो सिद्ध हुई। ऐसे ही जीव में जो विकार भाव हुए वो जीव उनका करता नहीं है, परद्रव्य उनका करता है, ये सिद्ध हो गया। दो पॉइंट हुआ, तीसरा क्या लिखा, प्रतिबिंब सदा नहीं रहता तो विकार भी सदा नहीं रहता, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है वो विकार। अब वो प्रतिबिंब है, वस्तु सामने से हटेगी, आगे पीछे होगी है, तो दर्पण में वो सदा थोड़ी झलकेगी। तो ऐसे ही जो विकार है वो सदा नहीं रहता है, यदि वो प्रतिबिंब दर्पण में सदा काल झलके तब तो फिर वो दर्पण को कोई खरीदेगा ही, परमानेंट, तो फिर तो गया खत्म। तो ऐसे ही यदि जीव में विकार भाव सदा रहने लग जाए तो वो आत्मा का स्वभाव हो नहीं सकता। दर्पण में प्रतिबिंब झलकने पर भी दर्पण उनका कर्ता नहीं है, अपितु परद्रव्य उनके कर्ता है। सेम टू सेम ऐसे आत्मा पे लगाते रहना सब, आत्मा की बहुत सारी क्वालिटी दर्पण से ही मिलती जुलती है। दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, ऐसा है, आत्मा बिल्कुल दर्पण जैसा है, दर्पण जैसा कहो या स्फटिक मणि जैसा कहो, ऐसा है आत्मा। दर्पण में परद्रव्यों को झलकाने का स्वभाव है, अतः दर्पण को भी उनका कर्ता कहा जा सकता है। कहते हैं ना, दर्पण ने झलकाए, दर्पण ने पृथ्वी बनाए, तो कहने में तो यही आता है। और ऐसे ही हम आत्मा के लिए भी कहते हैं कि आत्मा में मोह राग द्वेष हुए, लेकिन वास्तव में वो मोह राग द्वेष आत्मा के किए नहीं है, वो तो आत्मा में उत्पन्न जरूर हुए हैं, लेकिन उनका कहीं दूसरी जगह से इफेक्ट आया है। जो प्रतिबिंब पर लक्ष्य न, जो व्यक्ति प्रतिबिंब पर लक्ष्य नहीं करके दर्पण पर ही लक्ष्य करे वही सुखी है। यानी कि ऐसी आत्मा में बहुत सारी वस्तुएं प्रतिबिंबित होती हैं, उसके ज्ञान स्वभाव में बहुत गेय झलकते हैं, लेकिन जो भी उन गेयों में उलझता है वो फंस जाता है, उसको कर्म बनते हैं, और जो उन गेयों में नहीं फंसता है और आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जानता है वो सुखी रहता है। ऐसा ऐसा ही होता है, बहुत होता है। यदि कोई मूर्ख बाजार में दर्पण खरीदे और वो दुकान वाले से कहे कि इस दर्पण में तो ये दिख रहा है, इसको दिखाना बंद कर, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कुछ भी ना दिखे। उसे बंद करेगा तो कुछ दूसरा दिखेगा, उसे हटाएगा तो कुछ दूसरा दिखेगा, तो कुछ ना कुछ तो दर्पण में दिखेगा ही दिखेगा, बिना दिखे रह ही नहीं सकता है ना। तो ऐसे ही वस्तुएं उस ज्ञान में झलकती हैं, विकार भी आते हैं, लेकिन विकारों में जो एकत्वमत नहीं करता है वो ज्ञानी है, और जो उनमें एकत्वमत कर लेता है वो अज्ञानी है। जो प्रतिबिंब से रही दर्पण की आशा करता है वो निराशा ही पाता है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसी प्रकार से ये दर्पण जैसा स्वभाव है इस आत्मा का, यही समझा रहे हैं। देखो, यदि ये माना नहीं जाए कि द्रव अप्रतिक्रमण और द्रव अप्रत्याख्यान के कर्तृत्व के निमित्त का उपदेश निरर्थक ही होगा, यदि ये मान लिया जाए कि शास्त्रों में ये जो परद्रव को छोड़ने की जो बात है इसकी जरूरत नहीं है, है क्यों क्यों उसको छोड़ना है, उसके निरर्थक हो जाने पर
एक आत्मा को ही राग आदि भावों का निमित्त तत्व आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि पर वस्तुओं से राग होता है, इस बात को अपन नहीं मानेंगे और पूरी तरह ये मानेंगे कि नहीं नहीं आत्मा ही राग करता है, तब क्या होगा कि वो राग आत्मा का स्वभाव हो जाएगा। फिर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। नित्य कर्तृत्व का मतलब है कि वो राग सदा से, आत्मा सदा से, सदा से ही होते रहना चाहिए और आत्मा अनंत काल तक रहेगा तो अनंत काल तक राग करते रहना चाहिए, तो राग ही करता रहेगा तो मुक्त कब होगा, तो मुक्ति ही नहीं होगी जीव की, ऐसा प्रसंग आ जाएगा। इसलिए परद्रव्य ही आत्मा के रागादि भावों का निमित्त है, इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादि का अकारक है। जैसे मान लो पानी गर्म है और उस पानी गर्म है तो पानी को आपने रख दिया, फिर वो धीरे धीरे ठंडा तो होएगा ना कि गर्म ही रहेगा। आप थर्मस में पानी लेके जाते हो कि ज्यादा देर तक गर्म रहे, इसके लिए थर्मस खरीदते हैं उसमें रखते हैं, लेकिन उसमें भी 24 घंटे के बाद 36 घंटे के बाद कभी तो ठंडा तो होता है ना कि गर्म ही रहेगा। ठंडा तो कभी ना कभी उसका स्वभाव है, मूल स्वभाव में वस्तु लौटती है ना। यदि मान लो वो सदा ही गर्म बना रहे, अग्नि के निमित्त से उसकी उष्णता न मानी जाए, अग्नि के संयोग से उसकी उष्णता नहीं मानी जाए, बिना संयोग की उष्णता मान ली जाए, तो वो तो उष्णता पानी का स्वभाव बन जाएगी, फिर सदा ही पानी गर्म रहेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ही जीव में जो मोह राग द्वेष विकार भाव होते हैं वे परद्रव्य के संयोग से होते हैं। यदि उनके संयोग के बिना ही होने लग जाए तो फिर तो सदा ही होते रहेंगे, कौन रोक पाएगा उसको, कोई नहीं रोक पाएगा। कुल मिलाकर यहाँ ऐसा समझा रहे हैं इनों गाथाओं में कि जैसे दर्पण का स्वभाव है ना, ऐसा ही हमारा आत्मा है, वो खुद ऐसी ही योग्यता वाला है कि उत्पन्न तो उसी के अंदर होते हैं विकार, ये बात भी पक्की है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होते, होते तो उसी में ही है, लेकिन वो किसी ना किसी के इफेक्ट से होते हैं। ये ऐसा आत्मा का स्वभाव है। अपन को दर्पण जब देखते हैं तो ये प्रश्न वहां तो नहीं उठता, क्योंकि वो अपन देखते आ रहे हैं जन्म से ही सब कुछ, तो अपन को वहां वैसा प्रश्न नहीं उठता, लेकिन आत्मा ऐसा ही है ये समझाया जा रहा है। जैसे दर्पण होता है, उस दर्पण में जो क्या बोलते हैं, वो पहले भी उदाहरण दिया था, जैसे मान लो एक कुत्ता है और वो दर्पण में देखता है एक दूसरा कुत्ता भी इसके अंदर है, तो वो उसको कुत्ते का तो ये होता है ना, मेरी गली के कुत्ते तो वो उनकी समाज के हैं, बाहर का कोई आ गया तो उसके ऊपर भौंकने लगते हैं, तो उसने देखा कि एक दूसरा कुत्ता इसके अंदर है तो वो भौंक रहा है, उस पर भौंक रहा है, तो सेम टू सेम क्रिया उधर से दिखती है इसको कि अरे वो भी मुझ पर भौंक रहा है, तो ये और भौंकता है, तो इससे क्या होगा, दुखी ही होगा। तो ऐसे ही परद्रव्य के संयोग से आत्मा में विकार उत्पन्न होते हैं, ये बात आया जा रहा है। शास्त्रों में जहां जहां भी ये उपदेश है कि भाई परद्रव्य को छोड़ दो, परद्रव्य को छोड़ दो, उसका अर्थ यही है कि परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ दो। ऐसा एक बात और भी है कि पांचवें गुण स्थान के बाद सीधा सातवां गुण स्थान आता है, छठवां रिवर्स में आता है। अब सातवां और छठवां गुण स्थान तो होते हैं मुनि अवस्था के बाद, क्योंकि वो मुनि मुनि अवस्था के हैं, पांचवें तक गृहस्थ अवस्था है। और यूं कहते हैं कि अब वो मुनि बने पहले तब तो वास्तविक मुनि नहीं है, मान लो पांचवें तक, पांचवें में, चौथे में या उसके नीचे कहीं पे दीक्षा ले ली तो वो वास्तविक मुनि थोड़ी हुआ, क्योंकि मुनि तो छठे गुण स्थान के बाद है, ठीक है। और मान लो वो ये वेट करे कि मेरा छठवां सातवां गुण स्थान हो जाए उसके बाद मुनि बनूं, तो सच्चाई मुनि बनूं डायरेक्ट, तो फिर क्या होगा, तो वो भी नहीं हो पाती। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है वो, भाई वो इस चक्कर में बैठा रहा है कि मेरा छठवां सातवां गुण स्थान आए तो मैं मुनि बनूं, और यहाँ शास्त्र बोलते कि तू मुनि बने तो तेरा छठवां सातवां गुण स्थान हो। समझ में आई बात, पानी में उतरे तो तैरना आए, और ये बोलता है कि तैरना आए तो पानी में उतरूं, ऐसी स्थिति हो जाती है पांचवें गुण स्थान के अंतिम अवस्था में। यानी कि पांचवें गुण स्थान की जो 11 प्रतिमाएं है ना, वो 10वीं 11वीं प्रतिमा पर आकर ऐसी स्थिति में जीव आ जाता है कि जब घर गृहस्थी उसे बिल्कुल ही नहीं सुहाती, एकदम मन हट जाता है, ऐसे में उसे उसी समय ही दीक्षा लेनी होती है।
उसी समय दीक्षा लेनी होती है, मतलब पांचवें गुण स्थान में ही वो जीव दीक्षा लेता है, पांचवें गुण स्थान में, गलत नहीं है वो प्रक्रिया, ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद पांचवें से ही उसको डायरेक्ट सातवां गुण स्थान होता है, पांचवें के बाद डायरेक्ट सातवां गुण स्थान होता है, लौटते में छठा आता है, छठे सातवें में कई बार झूलता है ना, ये प्रक्रिया है कर्मणान योग की भाषा में। अब इस कर्मणान योग की भाषा से जो बात मैंने अभी बताई, इस बात से कहीं ना कहीं ये बात भी निकल कर आ रही है कि परद्रव का त्यागना भी बहुत जरूरी है मुक्ति मार्ग, क्योंकि छठे वो पांचवें गुण स्थान में उसने मुनि दीक्षा ली, घर गृहस्थी सब छोड़ी, जब छोड़ा तभी सातवां गुण स्थान आया, बिना छोड़े तो नहीं आया। इसका मतलब छोड़ना भी बहुत जरूरी है, ये बात सिद्ध होती। बताओ त्याग की महिमा कितनी है। अपन कुछ विद्वान ऐसा बहुत ज्यादा बल देते हैं कि देखो मन से जब तक विकार नहीं छूटे जब तक परद्रव छोड़ने का फायदा नहीं, बात तो सही है 100% सही है बात, लेकिन एक ही उसी पर इतना फोकस हो गया कि लोग फिर निश्चयवासी होकर के कहते हैं अरे हम त्याग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा विकार ही नहीं छूटा। हम त्याग नहीं करेंगे क्योंकि अभी विकार नहीं छूटा, और इस पक्ष के मतलब इस बात के बल पर वो जो है उस भोग सामग्री को भोगते रहते हैं, कभी त्याग के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल दरअसल त्याग भी जरूरी है, ये दोनों परस्पर निमित्त नैमित्तिक वस्तु है। निमित्त नैमित्तिक वस्तु है, समझ में आई बात है। देखो इसके बाद क्या बात है, स्वामी जी वाला पढ़ता हूँ, चलो स्वामी जी क्या कहते हैं। आत्मा स्वभाव से तो रागादि का अकारक ही है, यदि आत्मा स्वयं अपने स्वभाव से ही रागादि शुभ अशुभ भावों का करता हो तो द्रव्य में भाव रूप से किया गया अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान का दो प्रकार का उपदेश संभव नहीं होगा। शास्त्रों में कहा है कि तुम वस्तु छोड़ दो, ये हो गया द्रव्य प्रतिक्रमण, और तुम विकार छोड़ दो तो भाव प्रतिक्रमण, भूतकाल के हैं तो प्रतिक्रमण, भविष्य के हैं तो प्रत्याख्यान, ऐसा लगा लेना। तो ऐसा दो प्रकार का उपदेश संभव नहीं होगा। वस्तु छोड़ने का भी उपदेश है, द्रव प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान अर्थात उन संयोगी पदार्थों का त्याग जो विकार के उत्पन्न होने में निमित्त होते हैं। देखो विकार के उत्पन्न होने में निमित्त है ना, तथा भाव प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान अर्थात शुभाशुभ विकार का त्याग, ऐसे दोनों ही प्रकार के प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का उपदेश संभव नहीं होगा। विकार छोड़ने का उपदेश तो है लेकिन वस्तु छोड़ने का उपदेश वो भी है, दोनों ही है, ठीक है, उपदेश संभव नहीं, क्योंकि यदि आत्मा स्वभाव से ही रागादि का कारक हो तो फिर वह रागादि को कैसे छोड़ सकता है। स्वभाव से ही राग होते रहे तो कैसे छोड़ेगा, छोड़ेगा ही नहीं, है ना। यहाँ जो ये तो ठीक है, कहने का मतलब ये है इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक पना है। हम निमित्त को छोड़ दें तो भी मुश्किल है, नैमित्तिक को छोड़ दें और निमित्त को पकड़ें तो भी मुश्किल है, दोनों ही परस्पर एक दूसरे के एकदम क्या बोलते हैं, एकदम एक दूसरे के पैरेलल है, एक साथ होते हैं। एक बार दादा ऐसा एग्जांपल दे रहे थे, पता नहीं किस बारे में दे रहे थे, लेकिन वो एग्जांपल यहाँ भी थोड़ा मेरे को समझाने के लिए ठीक बैठ रहा है। कि कोई कहता है कि ये जो नारी की मूर्तियां है, किसी के घर में रखी थी नारी की मूर्तियां, तो ये नारी की जो मूर्तियां इनको देख करके मुझे विकार होता है। तो उससे पूछते भाई तुझे विकार होता है ये बात तो ठीक, लेकिन नारी की मूर्तियां लाया कौन यहाँ घर में, कि मैं ही लाया। अरे तू ही लाया तो तू क्यों लाया, क्योंकि तेरे मन में पहले से विकार था इसलिए मूर्तियां यहाँ आई। देखो वो क्या कह रहा था, ये मूर्तियां हैं इसलिए विकार है, और प्रश्नकर्ता ने क्या सिद्ध कर दिया कि तेरे मन में पहले विकार था तो तू यहाँ मूर्ति लेके आया। क्या समझ में आई बात, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये है कि वस्तु और वस्तु के निमित्त से होने वाला विकार, ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर डिपेंडेड है, अजब बात है। इसलिए हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते कि ये वस्तु ने विकार कराया, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि मेरा अभी विकार छूटा नहीं इसलिए मैं वस्तु नहीं छोड़ूंगा। अरे वस्तु को भी छोड़ने की कोशिश कर, जितना छूट सके उतना ही छोड़, कम छोड़, ज्यादा मत छोड़, जितना छूटे उतना ही छोड़, धीरे धीरे,
क्योंकि त्याग की भी महिमा बहुत अपरंपार। अब ये तो हुई बात, अब एक दो पैराग्राफ और अच्छे अच्छे आ रहे हैं, वो और पढ़ के फिर बात पूरी करेंगे। देखो, आत्मा स्वभाव से तो अकारक ही है, तथापि जब तक निमित्त भूत पर द्रव्यों का प्रतिक्रमण नहीं कर पाता, उनसे विमुख होकर स्वभाव की ओर नहीं झुक पाता, पर द्रव का लक्ष्य छोड़कर वहां से उपयोग को हटा नहीं पाता, तब तक नैमित्तिक भूत राग आदि भावों का प्रतिक्रमण नहीं कर पाता, पर द्रव्यों से छोड़ करके अपने आत्मा की तरफ नहीं आएगा तो वो राग आदि भावों का भी प्रतिक्रमण नहीं कर पाता। इस कथन से कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि परद्रव्यों को छोड़े तो परद्रव के संबंध से हुआ विकार छूट जाएगा, हम परद्रव छोड़ देंगे तो विकार छूट जाएगा, इसलिए परद्रव को छोड़ने का उपदेश देने लगते हैं। लेकिन वास्तव में ये ठीक थोड़ी, ये तो ठीक नहीं है, नहीं तो सूरदास क्यों ऐसा करते। सूरदास ने आंखें फोड़ दी, मैं नहीं देखूंगा किसी पराई स्त्री को, लेकिन फिर क्या हुआ, आंखें फोड़ने के बाद भी सारी जिंदगी श्रृंगारिक रचनाएं करते रहे, है ना। तो देखो फिर से पढ़ता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। इस कथन से ऐसा अर्थ कुछ लोग निकालते हैं कि परद्रव्यों को छोड़े तो परद्रव के संबंध से हुआ विकार भी छूट जाएगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, इसलिए वे क्या करते हैं, परद्रव को छोड़ने का उपदेश देने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो परद्रव का लक्ष्य छोड़ता है उसके लक्ष्य से होने वाले विकार को भी छोड़ देता है। परद्रव को छोड़ना है या नहीं छोड़ना उसको जाने दो, लेकिन परद्रव के लक्ष्य को छोड़ देना है। कहने में यही आएगा, परद्रव छोड़ दो, कहने में ये आएगा तुम इस पुस्तक को छोड़ दो, पुस्तक को नहीं, पुस्तक के प्रति लक्ष्य है उसको छोड़। मान लो किसी को मोबाइल बहुत प्यारा है, मोबाइल छोड़ दे, छोड़ दे मतलब मोबाइल का लक्ष्य छोड़ दे, ऐसा। आत्मा स्वभाव से राग आदि का अकारक है, ये बात किससे है, द्रव स्वभाव की अपेक्षा, लेकिन फिर भी पर्याय स्वभाव में तो वो अभी करता ही है। यहाँ निमित्त भूत परद्रव को छोड़े ऐसा जो कहा उसका अर्थ परद्रव को छोड़ना नहीं, परद्रव के लक्ष्य को छोड़ने की बात है। परद्रव तो छोटा ही हुआ है, गृहिणी कब किया था कि जो छोड़ने का प्रश्न हो, परद्रव तो छोटा ही पड़ा है, उसे पकड़ा ही कब था जो छोड़े। वस्तुतः आत्मा तो परद्रव के ग्रहण त्याग से रहती है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना आत्मा में, 16वें नंबर की शक्ति, 47 शक्तियों में से 16वें नंबर की शक्ति है, है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, वैसा है आत्मा, न तो त्याग करता है न ग्रहण करता है। भूत भविष्य से संबंधित पर द्रव्यों को एवं पर द्रव्यों के निमित्त से हुए अपने रागादि भावों की एकता तोड़कर जब स्व स्वभाव में एकता करे तभी सच्चा प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान होता है। क्या कह रहे हैं कितनी ऊंची बात कह रहे हैं, हम जो प्रतिक्रमण करते वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत ऊंचे लक्ष्य की बात है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रति समय अपने आत्मा की अवहेलना कर रहे हैं, अपने आत्मा को जानते नहीं, उसको मतलब इग्नोर करके रखा है, यही सबसे बड़ा अपराध है, बताओ इससे बड़ा और क्या अपराध। तो इस अपराध की क्षमा करना है, ये असली प्रतिक्रमण कब होगा, कि जब हम अपने आत्मा के स्वभाव में आ जाएं तब असली प्रतिक्रमण होगा, है ना। ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ही यथार्थ धर्म स्वरूप है। जब जीव विकार वे विकार के निमित्तों से पीछे हटकर शुद्ध स्वभाव में आए तब साक्षात अकर्ता होता है। कहने का मतलब यह है कि जिन रागादि भावों से जीव बंधता है वे रागादि भाव जीव नहीं करता है, ये अप्रतिक्रमण करता है, ये अप्रत्याख्यान करता है उन रागादि भावों को। क्या समझ में आई बात, ये अप्रतिक्रमण और ये अप्रत्याख्यान ही उन रागादि भावों के करता है, जीव नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से होता है वो, ऐसा सिद्ध कर रहे हैं, है? ठीक है, ऐसी बात कह रहे हैं। वैसे तो देखी जाए तो ये गाथाओं की मूल बात तो हो ही गई, अब तो कुल मिलाकर इसका रिपीटेशन, क्योंकि अलग अलग आचार्य और अलग अलग विद्वानों के शब्दों से एक ही बात को वो कई तरीके से कही जा रही है, तो कुल मिलाकर ये सिद्ध ये कर रहे हैं कि जो आत्मा है स्वयं राग नहीं करता है, राग का ये अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान राग कराता है, यानी कि जीव स्वयं अपने आत्मा को नहीं जानता है इसलिए राग उसे होते हैं, वास्तव में राग उसे होते नहीं, ऐसा।
आत्मा में जो श्रद्धा गुण है ना, जिसके बारे में पहले बता रहा था, वो श्रद्धा गुण का काम है किसी न किसी को अपना माने। अब जब तक आत्मा नहीं मालूम तो वो किसी न किसी को अपना मानता है, जो चीज सामने आती है उसको अपना मानता है, उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करता है। अच्छे बुरे की कल्पना माने राग द्वेष होते हैं, उस राग द्वेष से जीव बनता है, पर द्रव से नहीं बनता, आठ कर्मों से भी नहीं बनता, उन राग द्वेष से बनता। क्योंकि जो आठ कर्म है वो तो पौद्गलिक है, स्पर्श गुण है उनके अंदर, आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है। और दोनों में स्पर्श गुण हो तो दोनों बंधे, एक में स्पर्श है एक में नहीं है तो नहीं बनते हो, ऐसा सिस्टम है। तो आठ कर्म आत्मा के साथ रहते जरूर है लेकिन बंधते नहीं, बंधता तो वो अपने राग आदि भावों से है। बहुत सारी चीजें हैं अपने पास इर्द गिर्द, हम उनसे नहीं बंधे हैं। एक गाय है, उसका बछड़ा है, है? उस बछड़े को कोई गोद में उठाने, हमने देखा गांवों में पहले बचपन में कि कोई जैसे गाय बेचता है, है? तो गाय का बछड़ा भी साथ में, और उस गाय को बेच देता है किसी को, तो वो जो गाय को खींच के ले जाता है रस्सी से बांध के गले में, तो गाय जाती नहीं थी क्योंकि वो पुराना मालिक था ना, उससे बहुत प्रीति हो जाती है, उसके घर में रहते रहते उससे अटैचमेंट हो जाता है, तो वो गाय उसी को अपना मालिक समझती थी बेचने वाले को, और उसी के घर से जाना नहीं चाहती थी, तो रस्सी से खूब खींचते थे उसको, तो नहीं जाती थी, है ना। फिर वो क्या सलाह देता था कि भाई ये जो बछड़ा है ना, इस बछड़े को तू गोद में ले ले, रस्सी को छोड़ दे, तू छोड़ ही दे, पूरी तरह छोड़ दे गाय, बिल्कुल फ्री छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, उस बछड़े को गोद में लेके तू चल। वो गाय अपने आप चलती, पीछे पीछे अपने आप ही चलती है। अब बताओ किससे बंधी है, पहले तो रस्सी से बंधी भी थी, लेकिन अब तो रस्सी से भी नहीं बंधी है, अब तो फ्री है, तो भी वो अपने आप उसके पीछे पीछे चलती है। कैसे? बाहर से दिखता नहीं है बंधी है, लेकिन वास्तव में बहुत बड़े बंधन में बंधी हुई है, वो राग के बंधन में बंधी है। हम द्वेष के बंधन में भी बंधे। अच्छा, राग का एग्जाम्पल तो सीधा सरल है, आपको समझ में आ गया, द्वेष का भी ऐसा ही है, द्वेष का भी ऐसा ही है। जैसे पिक्चरों में देखा होगा आपने, अरे इसको सबक सिखाए बिना तो मैं प्राण भी नहीं त्यागूंगा, ऐसे ऐसे सेंटेंस सुने होंगे मूवी में, मतलब वो कहता मेरी जिंदगी का लक्ष्य यही है कि मैं जब तक इसको मेरे अपमान का बदला न ले लूं। बंधा हुआ है वो आदमी, द्वेष से बंधा हुआ है, अब उसको चैन नहीं है, और क्योंकि अपने अपमान का बदला लेना है ना उसको, तो द्वेष से भी बंधा है आदमी, वो याद है, भूला नहीं है, उसको लक्ष्य याद है। तो ऐसे ही राग से भी जीव बंधता है, द्वेष से भी जीव बंधता है। ये जितने भी विकार भाव है इन सबसे जीव बंधता है, और ये ही असली बंधन का कारण है, परद्रव्य बंधन का कारण है, ये बंध अधिकार की विषय वस्तु। देखो, समझाने के लिए शब्द नहीं मिल पाते हैं, बात ऐसी है, ये तो कोई अनुभव गम्य बातें हैं जो अनुभव से लिखी गई हैं, है ना। वास्तव में कभी कभी शब्द ही नहीं मिलते कि कैसे समझाई जाए बात। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बंध अधिकार हमें यही समझाता है कि बंधने के लिए स्वयं ये जीव जो बनता है अपने ही विकारों से बनता है, और ये विकार भी तब तक है जब तक यह जीव अपने आत्मा को नहीं जानता। जिस दिन आत्मा को जान ले, बंधन स्वयं ही दूर हो जाएगा, अपने आप ही दूर हो जाएगा, यही बात यहाँ बताई जा रही है ना। अब ये जो गाथा यहाँ पूरी हुई, गाथा का भाव भी पूरा हुआ, और इसके बाद दो गाथाएं और आती है, इसके बाद दो गाथाएं आती है, और जो दो गाथाएं आगे आएंगी वे दो गाथाएं तात्पर्य वृत्ति टीका जयसेन वाली, उसमें पहले ही आ गई, लेकिन पहले अपन क्योंकि फॉलो अपन अमृत चंद्र को कर रहे हैं अभी, तो वो दो गाथा उस वक्त तो नहीं पड़ी, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आचार्य जयसेन वो कहते हैं कि हाँ हमारा ये कौन सा बंध अधिकार पूरा हो गया, ऐसा कहते हैं वो दूसरे वाले आचार्य, क्योंकि उन्होंने ये दो गाथा पहले ही ले ली थी, तो कह रहे यहाँ हमारा बंध अधिकार पूरा हो गया। लेकिन आचार्य अमृत चंद्र के अनुसार वे दो गाथाएं पहले नहीं आई, बाद में आई है, अब आगे आएगी, मतलब तो वे दो गाथाएं आने के बाद में फिर बंध अधिकार पूरा होगा, ऐसा है। ये दो गाथाएं आगे पीछे हैं, यदि पहले ही मान लेते हैं तो यहीं पर बंध अधिकार पूरा होगा, और आगे मानेंगे तो दो गाथाएं और पढ़ेंगे, उसके बाद बंध अधिकार पूरा माना जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक आचार्य के अनुसार तो ये बंध अधिकार यहीं पूरा हो गया है, आज ही पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद वे इस बंध से छूटने के लिए अपने आत्मा की किस प्रकार की भावना भानी चाहिए
वो बता रहे हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ना, तुम रोज सोचो कि मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भरा हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है, ऐसा रोज सुबह उठ करके बोलो, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना वो। तो ऐसे ही आचार्य जयसेन कह रहे हैं कि तुम बंध से छूटो, इसके लिए रोज सुबह मतलब रोज ऐसी भावना भाव, कैसी, कि मैं शुद्ध हूँ, सहज हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है निर्विकल्प हूँ, उदासीन हूँ, नित्य निरंजन, शुद्ध आत्म, सम्यक श्रद्धान, ज्ञान अनुष्ठान रूप, निश्चय रत्न त्रयात्मक, निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न, वीतराग सहजानंद रूप, सुखानुभूति लक्षण वाले, स्व संवेदन ज्ञान से संवेद यानी प्राप्त होने वाला हूं, ऐसा अवस्था वाला हूं। और कैसा नहीं हूं कि मैं राग द्वेष मोह वाला नहीं हूं, क्रोध मान माया लोभ वाला नहीं हूं, पंचेंद्रिय विषय व्यापार वाला नहीं हूं, मन वचन काय व्यापार वाला नहीं हूं, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हूं, ख्याति लाभ पूजा दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग आकांक्षा रूप निदान माया मिथ्या, ये तीन शल्य हैं, इन तीनों शल्यों से रहित हूँ, विभाव परिणामों से भी सदा रहित हूँ, ऐसा जो है चिंतन करना चाहिए। इस ऐसी भावना भाने से ही ये जीव धीरे धीरे अपने शुद्ध स्वभाव के करीब पहुंचेगा, ऐसा जैसे आचार्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की चर्चा को तो यहीं विराम देते हैं और आगे की चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय जिनेंद्र। ठीक है, अच्छा जी, जय जिनेंद्र सर, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।